भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। पहला टेस्ट सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज जीतने के लिए विराट कोहली एंड कंपनी ने अपनी कमर कस ली है। माना जा रहा है कि भारत का साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का यह सबसे सुनहरा मौका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। पहले टेस्ट में किन खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली मैदान में उतरेंगे, हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे किन 11 खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया को सेंचुरियन टेस्ट में उतरना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद ये तो तय हो गया है कि केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल ही पारी की शुरुआत करेंगे। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे। खराब फॉर्म से जूझ रहे पुजारा के कंधों पर तलवार लटकी हुई है और उनके लिए साउथ अफ्रीका दौरा आखिरी मौके जैसा है। अगर सेंचुरियन टेस्ट में पुजारा फ्लॉप हुए तो मुमकिन है दूसरे टेस्ट में पुजारा की जगह पर सवाल खड़े हों। विराट कोहली टेस्ट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 5वें नंबर पर कौन खेलेगा, यही सबसे बड़ी पहेली है। अजिंक्य रहाणे या फिर श्रेयस अय्यर। रहाणे अब टेस्ट में भारत के उपकप्तान नहीं रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में रहाणे पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं श्रेयस अय्यर ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक ठोककर अय्यर ने टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी ओर रहाणे को लेकर कोच राहुल द्रविड़ का ताजा बयान सामने आया है। द्रविड़ ने कहा है, अजिंक्य रहाणे के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, अब तक उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, रहाणे अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। मुमकिन है कि पहले टेस्ट में विराट कोहली अपने सीनियर बल्लेबाज के साथ ही जाए। 6 नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत होंगे। अब प्लेइंग 11 को लेकर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्या कोहली 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ 4 मुख्य पेसर के साथ जाएंगे। ऐसे चांसेस हैं कि भारत इस मैच में 5 गेंदबाजों के साथ उतरे। ऐसे में 7वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर के लिए जगह बन जाती है। शार्दुल अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और उन्हें सीरीज से ठीक पहले नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए देखा भी गया है। ऐसे में हम एक ऐसी बात कहेंगे जो आपको अच्छी ना लगे। 2021 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अश्विन को ऐसे में बाहर बैठना पड़ सकता है। 8वें नंबर पर मोहम्मद शमी, 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और इसके बाद ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज का खेलना तय माना जा रहा है। भले ही हमने नंबर 8, 9, 10, 11 के बारे में बता दिया, लेकिन अब भी आपकी सुई अश्विन पर अटकी होगी। ऐसे में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा। सेंचुरियन साउथ अफ्रीका का किला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए गाबा और इंग्लैंड के लिए लॉर्ड्स, ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए सेंचुरियन। 26 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर खेले हैं, 21 में उन्हें जीत मिली है, सिर्फ 2 में हार, 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। जीत प्रतिशत 80.77 का किसी भी टीम का किसी वेन्यू पर यह सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। इसके बाद साउथ अफ्रीका का गढ़ केप टाउन है, जहां जीत प्रतिशत 70 का है और प्रोटियाज ने यहां 14 मुकाबले जीते हैं और 4 मैचों में टीम को हार मिली है। बता दें कि साउथ अफ्रीका की सारी पिच स्पिनर्स के लिए कब्रगाह है। सेंचुरियन, जोहान्सबर्ग और केप टाउन में स्पिनर्स की बॉलिंग एवरेज 45 से भी ज्यादा की हो जाती है और 2013 के बाद किसी स्पिनर ने साउथ अफ्रीका में 5 विकेट हॉल नहीं किया है। आर अश्विन ने 3 मुकाबले साउथ अफ्रीका में खेले हैं और उनका बॉलिंग एवरेज 46.14 का रहा है। किसी भी देश में अश्विन का यह सबसे घटिया प्रदर्शन है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2018 के बाद से साउथ अफ्रीका में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। 49.5 का स्ट्राइक रेट रहा है, किसी भी देश से ज्यादा। हालांकि 2018 से साउथ अफ्रीका में तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी रेट 3.20 की हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि रन जल्दी से बनते हैं और पासा पलटने में देरी नहीं लगती। अब ऐसे में कप्तान विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ पर यह निर्भर करता है कि वह किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। क्या एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना सही रहेगा या 5 तेज गेंदबाजों के साथ जाना सही रहेगा। आपको बताते चले कि भारत ने सेंचुरियन में 2 टेस्ट खेले हैं और दोनों मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अविनाश ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।